बिहार की 46 सीटों पर इंडिया गठबंधन की होगी बड़ी जीत, इसकी आरजेडी ने कर ली है पूरी तैयारी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा राजनीतिक गलियारों से निकलकर सामने आ रहा है। जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट गए हैं, लगातार आरजेडी मीटिंग कर रही है, बैठक कर रही है अपने नेताओं के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ। जहां एक तरफ 40 सीटों पर इंडिया गठबंधन की भारी मतों से जीत के लिए तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को टास्क तक दे दिया है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि राज्य के सभी 40 लोकसभा सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत सुनिश्चित करना है और ये बड़ी पार्टी होने के नाते राजद की बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने हर एक बूथ पर राजद कार्यकर्ताओं की मजबूत उपस्थिति पर जोर दिया है। कहा है कि बूथ पर कार्यकर्ताओं को डटे रहना है। तेजस्वी सोमवार की 5 देश रत्न मार्ग स्थित अपने आवास पर दक्षिण बिहार के 4 प्रमंडलों पटना, मगध, भागलपुर, मुंगेर और सभी जिलों के जिला अध्यक्ष, प्रमंडलीय प्रभारी, महासचिव, पूर्व प्रत्याशी के साथ आयोजित बैठक को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मंत्री, विधायक, सरकार और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय स्थापित करें। लोकसभा चुनाव कभी भी हो सकता है, इसलिए हर एक बूथ पर पार्टी कार्यकर्ता अवश्य रहें। कार्यकर्ताओं की बातों में को मंत्री और विधायक सुने, उनकी समस्याओं का उचित समाधान निकाले। आपको बताते चलें कि इस बैठक में राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह सहित सभी मंत्री, दक्षिण बिहार से आने वाले विधायक शामिल हुए। लोकसभा चुनाव को लेकर राजद के 2 दिवसीय बैठक में पहले दिन उत्तर बिहार के 5 प्रमंडलों के सभी जिला अध्यक्ष और प्रमंडल प्रभारी महासचिवों के साथ बैठक आयोजित की गई। 2 दिनों की बैठक में बूथ कमेटी के गठन पर जोर दिया गया और कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर संगठित होने का संदेश दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पक्ष और विपक्ष लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, जहां इंडिया गठबंधन बना ली गई है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की बड़ी बैठक हुई थी। तो वहीं अब आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव ने 2 दिवसीय राजद की बड़ी बैठक की। तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं, अपने विधायकों को ये टास्क दे दिया है कि हर जिले में जाकर, जमीनी स्तर पर जाकर निरीक्षण करें, लोगों की बात सुने, जहां समस्या है उस समस्या को आकर अपने विधायक को बताएं और इस समस्या का समाधान निकालें। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।